हे गाइस, वेलकम टू वेब डेव क्लाउड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन NACL यानी कि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे NACL और सिक्योरिटी ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया है। NACL में पहला पॉइंट है ऑपरेट्स एट सबनेट लेवल, मतलब NACL है वो सबनेट लेवल पे ऑपरेट करता है, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप है वो इंस्टेंस लेवल पे ऑपरेट करता है। आइए देखते हैं इसी चीज को डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा डायग्राम है, ये जो रेड पूरा एरिया है वो हमारा VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और उसमें हमने दो सबनेट लिए हैं। और ये जो व्हाइट लाइन है सराउंडिंग सबनेट, वो है हमारा NACL जो कि सबनेट लेवल पे ऑपरेट करता है, सिमिलरली फॉर सबनेट टू एज वेल। और हमारे सबनेट वन और टू दोनों में दो EC2 इंस्टेंस है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये पूरा ग्रीन एरिया, वो ये EC2 इंस्टेंस पे कॉन्फिगर किए हुए सिक्योरिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप है वो इंस्टेंस लेवल पे ऑपरेट करता है। सेकंड पॉइंट ये है कि NACL स्टेटलेस है और सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल। स्टेटलेस मींस जो ट्रैफिक इनबाउंड रूल में अंदर आता है, जरूरी नहीं कि वो बाहर भी जाए, क्योंकि वो NACL है वो स्टेट मेंटेन करके नहीं रखता। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में जो भी ट्रैफिक अलाउड है अंदर आने के लिए, वो ट्रैफिक वही पोर्ट के थ्रू बाहर जाने के लिए भी अलाउड है। थर्ड पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज अलाउड ऑन NACL, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में है बाय डिफॉल्ट नथिंग इज अलाउड ऑन सिक्योरिटी ग्रुप। इसका ये मतलब है कि NACL बाय डिफॉल्ट हर एक ट्रैफिक को अलाउ करता है हर एक पोर्ट पे, तो मतलब कुछ भी ब्लॉक नहीं होता NACL के लेवल से। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में इसका ऑपोजिट होता है, कुछ भी कोई भी पोर्ट उस अलाउड नहीं है बाहर के ट्रैफिक के लिए, हमें एक्सप्लिसिट अलाउ करना पड़ता है। यही चीज हम डायग्राम से देखते हैं कि जैसे ही बाहर का ट्रैफिक आता है तो सबसे पहले NACL में आता है। तो NACL है वो हर एक ट्रैफिक को अलाउ करता है, तो कोई भी ट्रैफिक है वो हमारे सबनेट तक आ जाएगा, और फिर वो नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी ग्रुप से। तो सिक्योरिटी ग्रुप में बेसिकली कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अगर हमें बाहर का ट्रैफिक है वो इंस्टेंस तक पहुंचाना है तो हमें सिक्योरिटी ग्रुप में वो एक्सप्लिसिट अलाउ करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आपके एक EC2 इंस्टेंस पे कोई वेब एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 80 पे चल रही है और यहाँ से बाहर से कोई ट्राफिक आ रहा है, तो NACL वो 80 नंबर के पोर्ट के ट्राफिक को अंदर आने देगा। लेकिन अगर आपका सिक्योरिटी ग्रुप है वो 80 नंबर के पोर्ट को अलाउ नहीं करता, तो ये जो EC2 इंस्टेंस पे जो वेब एप्लीकेशन बनी हुई है वो आप पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते अंटिल कि ये सिक्योरिटी ग्रुप है वो 80 नंबर के पोर्ट को एक्सप्लिसिट अलाउ करे। उसी तरह हर एक इंस्टेंस एक सिक्योरिटी ग्रुप से अटैच रहता है, तो हम इंस्टेंस वाइज उसकी सिक्योरिटी अलग से सेट कर सकते हैं। NACL का रूल्स सब इंस्टेंस के लिए सेम रहता है। बेसिकली NACL से कुछ अगर अलाउ या डिनाई किया है तो वो पूरे सबनेट लेवल पे लागू होगा, तो जितने भी EC2 इंस्टेंस अंदर है उन सब पे वो रूल्स इम्पोज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है, NACL में वी कैन राइट रूल्स फॉर अलाउ एंड डिनाई, मतलब हम कोई भी ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई करने के लिए एक्सप्लिसिट रूल्स लिख सकते हैं। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में वी कैन राइट रूल्स फॉर अलाउ ओनली, बिकॉज सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है कि बाय डिफॉल्ट सब कुछ ही डिनाइड है, तो हमें सिर्फ जो रूल्स लिखने हैं वो अलाउ के लिए ही लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रूल्स मस्ट बी रिटन इन प्रेसिडेंस फॉर NACL, और सिक्योरिटी ग्रुप के लिए है रूल्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर, मतलब NACL में जो रूल्स है वो प्रेसिडेंस के हिसाब से इवेल्युएट होते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता, तो हम कोई भी ऑर्डर में अपने जो रूल्स हैं, बेसिकली जो अलाउड रूल्स जो हम सिक्योरिटी ग्रुप में लिखते हैं, वो कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ये हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है वो पहले कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, NACL में देर मस्ट बी ए नंबर अटैच विद द ईच रूल एंड दे गेट इवेल्युएटेड फ्रॉम द लोअर टू हायर ऑर्डर, मतलब एक नंबर है कोई, जैसे कि 100 हो गया 200 हो गया, वो हर एक रूल के साथ अटैच रहता है, और वो नंबर के हिसाब से, नंबर के प्रेसिडेंस के हिसाब से वो रूल्स है वो इवेल्युएट होते हैं। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में ऐसा कोई नंबर अटैच नहीं रहता रूल से, क्योंकि वो रूल्स है वो कोई भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, और सब रूल है वो एक ही साथ इवेल्युएट होते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से चेक करते हैं। तो ये हमारा NACL है,
हमारा डिफॉल्ट NACL जो कि डिफॉल्ट वीपीसी के साथ आता है। तो यहाँ पे हम देखें तो इनबाउंड रूल्स है, इसको एडिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो 100 नंबर पे जो रूल लिखा है वो पहले इवेल्युएट होगा, मतलब उसका प्रिसिडेंस ज़्यादा रहेगा, और ये जो स्टार पे रूल लिखा है उसका लीस्ट प्रिसिडेंस रहेगा, मतलब स्टार पे जो भी लिखा है वो अगर कुछ भी नहीं होगा तभी वो स्टार पे लिखा जो रूल है वो इवेल्युएट होगा। तो यहाँ पे 100 नंबर्स पे हमने लिखा है कि ऑल ट्रैफिक और सोर्स कोई भी हो और पोर्ट भी कोई भी हो तो उनको अलाउ करना है। बेसिकली हर एक पोर्ट हर एक आईपी रेंज के लिए अलाउड है यहाँ पे 100 नंबर पे, और 100 नंबर यहाँ पे प्रिसिडेंस लेता है ओवर द स्टार एंट्री। सो अगर हम 100 को ये यहाँ से रिमूव कर देंगे तो फिर एक ही रूल बचेगा जो कि है स्टार वाला। तो फिर ये जो स्टार पे जो लिखा हुआ रूल है वो इवेल्युएट होगा, और वो है वो हर एक पोर्ट और हर एक ट्रैफिक को बेसिकली डिनाई करता है। तो हमें ये रूल है वो रहने देना है। फिलहाल ये कैंसिल करके वापस ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम अपने खुद के भी रूल्स लिख सकते हैं। जैसे कि हमने 50 नंबर पे लिखा कि TCP पे 22 है वो कोई भी सोर्स के लिए डिनाई करना है। तो ये 50 है वो यहाँ से सॉर्ट बाय रूल नंबर करेंगे तो 50 है वो प्रिसिडेंस ले लेगा। लोअर नंबर टेक्स हायर प्रिसिडेंस, NACL में ऐसा एल्गोरिदम होता है। और अगर यहाँ पे मैंने 22 पोर्ट है वो हर एक आईपी के लिए डिनाई किया है तो ये पहले इवेल्युएट होगा, और बाकी जो पोर्ट है उसके लिए ये 100 नंबर का रूल है वो इवेल्युएट होगा। तो 22 पोर्ट को छोड़ के हर एक पोर्ट है वो हर एक आईपी के लिए अलाउड है। और यहाँ पे मैं कोई सोर्स भी चेंज भी कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कोई रेंज डिफाइन करनी है तो यहाँ पे रेंज के लिए भी मैं ये 22 पोर्ट है वो डिनाई करवा सकता हूँ। और अगर यहाँ पे मैंने 50 नंबर पे अगेन लिख दिया कि पोर्ट रेंज कोई भी हो ऑल ट्रैफिक, और यहाँ पे लिख दिया 0 और डिनाई, तो ये 50 नंबर का पोर्ट है वो बेसिकली ये जो स्टार पे रूल लिखा है वो ही बन जाएगा, डिनाई डिनाई फॉर ऑल सोर्सेस एंड ऑल पोर्ट रेंज। तो हर एक ट्रैफिक है वो डिनाई हो जाएगा। बेसिकली ये जो NACL के थ्रू कुछ जा ही नहीं पाएगा क्योंकि हम यहाँ पे 50 नंबर प्रिसिडेंस वाले रूल पे हर एक ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं। ऐसे ही हम अलाउ डिनाई के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल रूल्स है वो हमारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड आता है VPC के साथ। इसको हम इनबाउंड रूल्स में जाके देखें तो कोई भी रूल्स लिखा नहीं रहता क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में हर एक चीज़ है, हर एक IP और हर एक पोर्ट रिलेटेड टू एनी IP वो सब कुछ डिनाई होता है बाय डिफॉल्ट। और जैसे ही हम रूल ऐड करते हैं तो ये रूल है वो अलाउ रूल ही होता है, उसमें कोई अलाउ डिनाई का ऑप्शन नहीं आता जैसे NACL में आता है। तो यहाँ से हम कोई भी रूल है वो लिख के कोई भी पोर्ट या कोई भी IP को अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 80 नंबर का पोर्ट है वो मुझे एनी IPv4 एड्रेस के लिए ओपन करना है तो मैं कर सकता हूँ, और फर्दर अगर मुझे SSH को भी अलाउ करना है कोई एक पर्टिकुलर IP पे, जैसे कि मेरा IP है, सिर्फ मैं ही एक इस इंस्टेंस पे पोर्ट 22 को एक्सेस कर सकूं, ऐसा मुझे रूल लिखना है तो मुझे यहाँ पे माई IP सिलेक्ट करना है और 22 यहाँ पे पोर्ट रेंज में देना है, और यहाँ से सेव रूल्स कर सकता हूँ। बेसिकली जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें जो भी मैं रूल लिखूंगा वो सब अलाउड रूल ही होंगे, उसमें डिनाई रूल नहीं लिख सकते क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिनाइड है पहले से। और अगर NACL में मैंने ऑलरेडी डिनाइड रूल लिख रखा है कोई एक पोर्ट रेंज के लिए और उसी सबनेट में ये सिक्योरिटी ग्रुप है, तो अगर सिक्योरिटी ग्रुप में मैं फिर वो पोर्ट को अलाउ भी करता हूँ तो भी वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो पोर्ट है वो ऑलरेडी NACL से ही ब्लॉक है, तो मेरे सबनेट तक ही ट्रैफिक नहीं आएगा तो मेरे EC2 तक तो आने वाला है ही नहीं। यही चीज़ हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे NACL पे अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ से ही मैंने ब्लॉक कर दिया तो फिर वो सबनेट और EC2 में तो जाएगा ही नहीं, भले ही यहाँ मैं EC2 में
सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू वो पोर्ट अलाउ करूँ या ना करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि NACL से ही वो पोर्ट है वो ब्लॉक्ड हुआ है। तो ये था डिफरेंस NACL और सिक्योरिटी ग्रुप के बीच में। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।